आज हम लेथ मशीन के पार्ट टेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे। टेल स्टॉक में मेन पार्ट आते हैं, ये इसके टेल स्टॉक की बॉडी है, ये पार्ट बैरल है, ये पार्ट हैंडल है, ये टेल स्टॉक लॉक है और ये बैरल लॉक है। तो बैरल का टेल स्टॉक का मेन काम क्या होता है, इसको आप किसी भी चीज़ में होल्ड करने और किसी भी हैवी जॉब जरा को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे ये पार्ट है ड्रिल चक, ये ड्रिल चक है, ये पार्ट इंटरनल पार्ट है जो शैंक है, और ये अपर पार्ट है उसे स्लीव बोलते हैं, जिसको आप बैरल में इस तरह से होल्ड करोगे। और ये आपका ड्रिल चक है जिसको आप ड्रिल बिट है, ये आप इसको आप किसी भी जॉब में होल्ड करने के लिए यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो आप इसे यूज़ करोगे, इसका जो नेक्स्ट ऑपरेशंस है रिवॉल्विंग सेंटर के साथ है। जैसे आपने किसी भी हैवी जॉब्स को किसी लेथ मशीन में होल्ड करना है, तो ये आपका रिवॉल्विंग सेंटर पार्ट है, जिसमें ये मेन सेंटर पॉइंट है, ये शैंक है और ये स्लीव है। आप इसको बैरल में इस तरह से होल्ड कर सकते हो और किसी भी जॉब के लास्ट वाले पॉइंट को इस तरह से आप इसमें सेंटर दे सकते हो। तो अगर आप लेथ मशीन के मेन पार्ट्स और ऑपरेशंस के बारे में जानकारी चाहते हो, तो इसी चैनल में हमने इस लेथ मशीन और ऑपरेशंस के वीडियो डाली हुई है, आप उसमें से देख सकते हो। तो आगे हम वो देखते हैं, इस ड्रिल चक के साथ आप किसी भी चीज़ में होल्ड कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट आपने इसे बैरल में होल्ड करना है, और ये आपका ड्रिल बिट है जिससे आप ड्रिल चक की से हेल्प के साथ उसे होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने होल्ड करना है, तो आप त्रिज्या चक में इसे होल्ड कर दोगे। त्रिज्या चक या फोर्ज्या चक किसी को भी यूज कर सकते हो आप। आगे आपने टेल स्टॉक को ये लॉक को ओपन करना है और टेल स्टॉक को आगे मूव करना है। ये आपका हैंडल है, बैरल हैंडल है जो आगे मूव करेगा, उसको आपने रोटेट करना है और आपका जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है डन हो जाता है। और ये आपका जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है कंप्लीट हो जाता है। तो इसी बैरल में आप अगर किसी भी हैवी जॉब्स को होल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट रिवॉल्विंग सेंटर को यूज करना होगा। ये आपका रिवॉल्विंग सेंटर है, बैरल में इस तरह से आपने इसे एडजस्ट करना है और उसका जो सेंटर पॉइंट है बैरल का, उसको आपने अपनी जॉब के जो सेंटर पॉइंट है उसके साथ मैच कर देना है। और जो आपका होल्डिंग है वो लेथ मशीन में ऑलरेडी हो जाती है। और बैरल को आप तब यूज करते हो जब आपने किसी भी हैवी जॉब या किसी भी लेंथ वाली जॉब को प्रिपेयर करना हो। तो जैसे ये आपका रिवॉल्विंग सेंटर आप काम कर रहे हैं, आपके जॉब को दोनों साइड से होल्ड किया हुआ है, तो जैसे आपने फेसिंग या टर्निंग ऑपरेशन जो भी आप करना चाहते हो इस तरह से इसे डन कर सकते हो। ये टर्निंग ऑपरेशन है, रिवॉल्विंग सेंटर से होगा क्या कि आपकी जॉब दोनों साइड से होल्ड ऑफ हो जाएगी और आपकी जॉब को वाइब्रेट नहीं करेगी और बाहर नहीं आएगी, जिससे आपकी जॉब को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है।